गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज की कक्षा में हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे, अभ्यास करेंगे। आज की कक्षा में मैं दो बैलों की कथा पाठ से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को लिखाऊंगा। सर ने ये चैप्टर पढ़ा दिया है, आज मैं इसके कुछ MCQ क्वेश्चन लिखाने जा रहा हूँ, तो चलिए लिखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है इस पाठ से, दो बैलों की कथा पाठ से हमारा पहला प्रश्न है, प्रेमचंद द्वारा रचित कौन सी कहानी, प्रेमचंद द्वारा रचित कौन सी कहानी आपके पाठ्यपुस्तक में संकलित है? या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद द्वारा रचित कौन सी कहानी आपको पढ़नी है, या प्रेमचंद द्वारा रचित कौन सी कहानी आपके पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग एक में संकलित है। तो यहाँ पर कुछ विकल्प, चार विकल्प दिए रहेंगे आप लोगों को, उन चार विकल्पों में से एक को चुनना है। जैसे पहला विकल्प है ईदगाह, ख नंबर विकल्प है नमक का दारोगा, ग नंबर विकल्प है कफन, और घ नंबर विकल्प है दो बैलों की कथा। ये चार विकल्प आप लोग को इस तरह से दिए रहेंगे, आप लोगों को जो सही विकल्प है यहाँ विकल्प को चिन्हित करने के लिए, टिक करने के लिए इस तरह का स्थान रहेगा, आपको वहाँ टिक करना है। ये आप लोग पहले दे चुके हैं एग्जाम, इसलिए आप लोग को कोई कठिनाई नहीं होगी। तो प्रेमचंद द्वारा रचित कौन सी कहानी आपके पाठ्यपुस्तक में संकलित है? ईदगाह, नमक का दारोगा, कफन या दो बैलों की कथा? कौन सी है? दो बैलों की कथा। हमारा अगला प्रश्न है, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है दो नंबर, गधे के गुणों की तुलना किसके साथ की गई है? पहला विकल्प है ऋषि, मुनियों
साथ खा नंबर विकल्प है, बेवकूफों के साथ ग नंबर विकल्प है, बैल के साथ घ नंबर है, घोड़े के साथ। ये चार विकल्प दिए हुए हैं। गधे के गुणों की तुलना किसके साथ की गई है? ऋषि मुनियों के साथ, बेवकूफों के साथ, बैल के साथ या घोड़े के साथ? तो हम लोग जानते हैं कौन सा उत्तर होगा। बिल्कुल सही, ऋषि मुनियों के साथ। तो उसे हम लोग टिक कर देंगे। हम लोग अब अपने अगले प्रश्न पर चले जाते हैं। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गधे गधे का छोटा भाई किसे कहा गया? गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? यहाँ हमें चार विकल्प प्राप्त होंगे। पहला नंबर विकल्प हमारे चार विकल्प रहेगा। घोड़े घोड़े को बैल को कुत्ते को बकरे को। यहाँ हमारे चार विकल्प दिए हुए हैं। कौन कौन से? प्रश्न पहले पढ़ दे रहा हूँ। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? घोड़े को, बैल को, कुत्ते को और बकरे को। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? आप लोग को पता ही है किसको कहा गया है। बिल्कुल सही, किसे? बैल को कहा गया। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। आप लोग इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं अगले प्रश्न पर चला जा रहा हूँ। हमारा अगला प्रश्न है, सांड को किस बात का अनुभव ना था? चार नंबर हमारा प्रश्न है, सांड को किस बात का सांड को किस बात का अनुभव ना था? हमारे विकल्प हैं, युद्ध में घायल होने का,
हमारा अगला विकल्प है दो शत्रुओं से एक साथ लड़ने का, दो शत्रुओं से एक साथ लड़ने का हमारा अगला विकल्प है। एक शत्रु से एक एक शत्रु से लड़ने का, हमारा अगला विकल्प है बैलों से लड़ने का। यहाँ हमारे चार विकल्प दिए हुए हैं। हमारा प्रश्न है, सांड को किस बात का अनुभव ना था? हम लोग जानते हैं कि सांड से दोनों बैलों को लड़ना पड़ा था। तो प्रश्न है, सांड को किस बात का अनुभव ना था? तो हमारे यहाँ पे चार विकल्प हैं। युद्ध में घायल होने का, दो शत्रुओं से एक साथ लड़ने का, एक एक शत्रु से लड़ने का, बैलों से लड़ने का। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, दो शत्रुओं से एक साथ ये लड़ने का उसको अनुभव नहीं था। हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चले जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बैलों को कहाँ बंद करके रखा गया था? बैलों को कहाँ बंद करके रखा गया था? विकल्प है, घर में, विकल्प है घर में, जेल में, जेल में, कांजी हाउस में। हमारा क्या है? कांजी हाउस में या खटाल में? कांजी हाउस में। अगला है खटाल में। हमारा प्रश्न है, बैलों को कहाँ बंद करके रखा गया था? विकल्प है, घर में, जेल में, कांजी हाउस में या खटाल में। अगला चौथा नंबर विकल्प है खटाल में। तो उत्तर क्या है? बिल्कुल सही, कांजी हाउस में। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने पांच बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास किया। अगली कक्षा में मिलेंगे तो कुछ और प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं दो बैलों की कथा से बहुविकल्पीय प्रश्न।